Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Azra Yasmin. Age of merely 6 months, she contracted polio, which led to paralysis of her left arm and weakening of various other muscle groups, resulting in serious physical limitations. Furthermore, she sustained another setback when she developed brachial plexus injury of her right arm during a surgery in her early 30s. These physical limitations never deterred her from following her dreams and facing any obstacles that came her way in full stride. I feel, for me, her perseverance has been the biggest source of inspiration. It has been the strongest driving force, making me feel like nothing is impossible to do. She never let her limitations dictate her life. In fact, she always found a way around just about any problem one could think of. She worked tirelessly to send us to the best institutions so we could achieve our full potential. We owe all that we've achieved in life so far to her. As a pediatrician, she chose to work for the betterment of the marginalized community and served in government sector hospitals all through her career. She's always been and continues to be an inspiration for us, and I'm sure for all of you. Now that you've heard about her struggles in life, and how she has achieved all she has despite them. अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी थैंकफुल टू फार्मिगो के मुझे इस फोरम पे इन्होंने बुला के एक्नॉलेज किया। और जैसा यहाँ सबकी मैंने टॉक सुनी, इसमें कुछ मेरे टीचर्स भी हैं, कुछ मेरी फ्रेंड की बहन थी स्पीकर्स में, तो मैं ये कहूँगी कि आई बॉर्न एज ए लिमिटेड पर्सन इज नॉट अ डिसेबल लिमिटेड फिजिकली। इसमें सारा क्रेडिट जो बहुत एजुकेशन और इस पर नहीं जाता, मेन जाता है हाउ यू आर शऊर एज ए कम्युनिटी। मेरी जो वालदा थी वो भी जो बात है बहुत थोड़ा उर्दू पढ़ना लिखना इंग्लिश के चंद लफ्ज़ जानती थी, लेकिन हमारी बड़ी सिंपल लिविंग थी। और हमारे घर में जो मेरा ब्रॉटअप हुआ 9 बहन भाइयों में, वो इस तरह हुआ कि आई नेवर फील के आई एम डिफरेंट फ्राम द अदर्स। हम बहुत ही मिडिल क्लास से थे, सिंपल लिविंग। और उसमें जो घर से आपको कभी जब ये एहसास नहीं दिया, तो कॉन्फिडेंस किसी बच्चे को घर से आता है कि आप जब डिफरेंट नहीं हैं और जो करना चाहते हैं कभी रोका नहीं। और उस दौर में जो मेरे दौर के लोग हैं पहचानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर आप फेडरल बी एरिया से गवर्नमेंट कॉलेज फेरो रोड जा रहे हैं या सिंध मेडिकल कॉलेज, एक हाथ से आपको बैग लटका के ऊपर चढ़ना, दैट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन कि हाँ, सोसाइटी की नेगेटिव चीज़ों से और कुछ अपना ये था हर चीज़ कर लूँगी, तो
वो पुराने ज़माने का खाना पकाने से लेके सिलाई कढ़ाई दुनिया की हर चीज़, इवन रोटी पकाना सब मेरी अम्मी ने सब सिखाया और बहन भाइयों के साथ बड़ा कॉन्फिडेंस रहा। लेकिन जो ज़िंदगी का मेरा ज़्यादा हार्ड टाइम आया वो मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्होंने साथ दिया कि मेरी जब बेटी हुई पहली जो ये बोल रही थी, तो जनरल एनेस्थीसिया में तो जो मेरा वर्किंग हाथ था ये मेरा बहुत सीवियरली डैमेज हो गया ड्यूरिंग बेहोशी में, हालांकि मेरा होम ग्राउंड था, सब मुझे चाहते थे। लेकिन बात ये होती है जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा होता है ना वो ज़रूर होता है, यू हैव टू फेस इट। और अल्लाह ताला के सामने आपको ये एफर्ट करनी हो तो जो कुछ मेरे पास बाकी बचा है आपको उससे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है कि एक साल के फ़र्क से दो बच्चे उसमें पालना, मेरे हस्बैंड, उनकी फैमिली, मेरी फैमिली। वो जो कहते हैं ना कि मेल फीमेल नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप सब बहुत अच्छे हैं तो कोई ना कोई एबिलिटी सब में होती है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने ओन पे गुजारें। जैसे अभी बात हुई एंटरप्रेन्योर, मैं ये कहती हूँ बेटा हो या बेटी, बोथ आर इक्वल, दोनों को अपनी पाँव पे खड़ा होना चाहिए ज़िंदगी में, लाइक के साथ साथ चलना है। ये कोई जेंडर डिफरेंस नहीं, अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं जेंडर, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग सब बिल्कुल एक से और पावरफुल होते हैं। आपको सिर्फ सपोर्ट करना होते हो। मेरे घर में कभी जो मैं तमाम वालदैन को जो मैं मैसेज देती हूँ हैंडीकैप कभी फोरम पे जाके, मैं ये कहती हूँ आप बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट ना करें, उनकी केयर करें, लेकिन उनको ये बात कहने की ज़रूरत नहीं तुम ये नहीं कर सकते तो चलो ये कर लो। आई नेवर सीन। और मेरा टर्निंग पॉइंट मेडिकल में आने का, जिनको मैं हमेशा एक्नॉलेज करके, डॉक्टर हलीमा हाशमी गायनी की फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, मैंने मेडिकल के लिए थोड़ी सी मुश्किल समझी थी तो उन्होंने मुझे उस वक्त बहुत काउंसिल करके बायोलॉजी दिलवाई थी कि तुम्हारी एज ए डॉक्टर लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट डॉक्टर हलीमा हाशमी है जिन्होंने मुझे दिलवाई, मेरी बड़ी बाजी की फ्रेंड थी। तो अब जो मेरी ज़िंदगी का जो टफ टाइम था कि आपका एक हाथ बिल्कुल नहीं काम करता, दूसरा भी पैराप्लेजिक हो गया, आप अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते। हाँ मैं लिख सकती थी तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं बच्चे प्रोफेशनल काम कर सकती हूँ, बींग ए पीडियाट्रिशियन में काम कर सकती हूँ। तो हमने वो टाइम, दोनों के वालदैन बूढ़े थे, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके वो टाइम गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा इस वक्त सर्जरी कर रहा है वाशिंगटन डीसी में, आ खान ग्रेजुएट है, मेरी बेटी ने एमफिल अभी आ खान से किया है, इसी वक्त जस्ट अभी उसका सिजेरियन हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ, वो वहाँ पर उसके बेटा हुआ है। मेरा बहू और दामाद दोनों, मेरा दामाद यूरोलॉजिस्ट है, बहू मेरी रेजिडेंसी कर रही है पीडियाट्रिक्स में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। देखें एक सी चीज़ है ज़िंदगी में कि आपको एक्सेप्ट करें चैलेंज और हमेशा भरा ग्लास देखें और ड्रीम करें। मैं छोटी थी तो हमारी इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने सुना था कि एक मिलता है लोगों को अवार्ड नोबेल प्राइज़, तो सोचती थी कोई अच्छा काम करूँगी। अब मैं लोगों को एडवाइस करती हूँ कि मैं वहाँ नहीं पहुँची, लेकिन अगर आप ख्वाब देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं अल्लाह ताला के सामने सुरखुरू होने के लिए। नाउ आई एम डूइंग द कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम।